Assalamu alaikum everyone, I hope you guys are doing well. This video, this lecture, not a video lecture basically, this is, this video I'm making is for the entry test students, ठीक है? जो students इस दफ़ा अभी entry test आके देंगे, उनके एक तो ये है कि entry test हमारे पास इस दफ़ा shifts में होगा कोविड की वजह से. दूसरा ये कि जो भी जिन लोगों ने अपने एडमिट कार्ड जब भी रिसीव किए होंगे ऑनलाइन, उसके ऊपर जो है आपके पास इस तरह जो है ना, आपने किस डिपार्टमेंट की तरफ जाना है और डिपार्टमेंट की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है. अब वो शॉर्ट फॉर्म से ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा कि ये है कौन सा. ऑल दो आपको वहाँ पे जब आप एंट्री टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपको गाइड करने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स और जो भी उन्होंने हायर किए होते हैं सब खड़े हुए होते हैं गाइड करने के लिए. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका एंट्री टेस्ट, आपने एंट्री टेस्ट देने किस डिपार्टमेंट की तरफ जाना है. तो ये जो शॉर्ट लिस्ट है, ये शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली, ये सारे मैंने इनके यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया ताकि वो आपको पता चल जाए कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है. अगर तो आपके एडमिट कार्ड पे CED लिखा हुआ है तो उसका मतलब है वो सिविल इंजीनियरिंग है. अगर UED लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि वो अर्बन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है. PED हमारे पास होगा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ठीक है. CND हमारे पास होगा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. MED हमारे पास होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. TED हमारे पास होगा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. और IMD हमारे पास होगा इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट, ठीक है. AUD हमारे पास क्या होगा, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. EED हमारे पास होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. CSD कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा. CSD बेसिकली हमारे पास हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है. ELD हमारे पास होगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. TCD आपके पास क्या होगा, टेली कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट होगा. और MM हमारे पास होगा मटीरियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. MM जो है हमारे पास कौन सा, मटीरियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है. CH आपके पास क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग है. और आपके पास ये तो थोड़े से थे, बाकी जो है वो भी मैं अभी आप लोगों के सामने लेकर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो कौन सी शॉर्ट फॉर्म जो है वो किस डिपार्टमेंट को शो कर रही है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है MY. मेटलर्जी का जो डिपार्टमेंट है आपके पास वो आपने शो कर रहा है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग. MYD मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपके पास कौन सा हो गया, MYD. इसी तरह आपके पास पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं PPD. वो हमारे पास क्या होता है, पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट, ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सॉफ्टवेयर का डिपार्टमेंट होगा, SEC होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो आप उसको किस तरीके लिखेंगे, SED, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. इसी तरह आपके पास आगे बढ़ते जाते हैं, BM का आपके पास क्या होता है, BM इंडिकेट कर रहा था बायो, BMD बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. ठीक है, आपके पास जो है FDD हमारे पास क्या है, फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है. और आगे पास आपके पास CT क्या होता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. CTD हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको दोबारा रब कर देते हैं आप लोग सब, जिसके भी आपके एडमिट कार्ड दिखते रहे, जिसका जो आ रहा है आप लोग को पता चल जाएगा कि किस किस डिपार्टमेंट की तरफ जाना होगा, ठीक है. CTD हमारे पास क्या होगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. आर्किटेक्चर आपके पास किस तरीके से डिनोट हो रहा है, AR से डिनोट हो रहा है आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर से एक और चीज़ मुझे याद है कि आर्किटेक्चर जिन्होंने जिन स्टूडेंट्स का आर्किटेक्चर का है वो हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं होता, उसका सदर में एक कैंपस होता है, आर्किटेक्चर वहाँ से हो रही होती है, ठीक है. आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, ठीक है. ये हमारे पास बेसिकली सदर में इसका कैंपस है, वहाँ से होती है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास DS आ जाता है टेक्सटाइल साइंसेस के लिए, टेक्सटाइल साइंसेस डिपार्टमेंट आ जाता है, ठीक है. फिर हमारे पास एक और आ जाता है DS डेवलपमेंट स्टडीज़,
ठीक है, एंड के जो बेसिकली है ना, एंड के जो मैं आप लोगों के सामने लिख रही हूँ, ये बेसिकली कोर्सेज हैं ज़्यादातर, बल्कि ये आप लोगों के साथ, हाँ, इंग्लिश लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, कॉम्पिटिशनल फाइनेंस, ये सारे जो हैं आपके पास, ये जो है वो डिपार्टमेंट्स नहीं है, तो क्योंकि कुछ ऐसे कोर्सेज हमारे यूनिवर्सिटी में भी हैं जो जो जिनका अभी तक डिपार्टमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन है, डिपार्टमेंट नहीं बने हुए, तो फिर वो उनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि बिकॉज उनका डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो आप लोग को ऑब्वियसली उधर आपने कहीं जाना नहीं होगा, ठीक है। मैं सिर्फ मैंने फॉर्म लिख दी थी तो मैंने बता दिया था, AP आपके पास अप्लाइड फिजिक्स होता है, EG आपके पास होता है, AP आपके पास क्या होता है, अप्लाइड फिजिक्स, EG आपके पास क्या होता है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक, और EC आपके पास क्या होता है, EC हमारे पास क्या होता है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, और CF आपके पास क्या होता है, कॉम्पिटिशनल फाइनेंस। सो आई होप कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, जिस किसी के भी एडमिट कार्ड है वो अपना चेक कर ले। और एक और चीज़ ये भी है कि एडमिट कार्ड्स में ये भी अभी इस दफ़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को ये चेक करना पड़ेगा कि आपका जो है प्रैक्टिकल की डेट जो है वो एंट्री टेस्ट की डेट के साथ क्लैश ना हो रही है। अगर क्लैश हो रही है तो आपको क्या करना होगा, या तो अपने कॉलेज से डेट को चेंज कराना पड़ेगा, या अपने डॉक्यूमेंट्स जो है जिनमें आपका एंट्री टेस्ट का जो एडमिट कार्ड होगा और आपका CNIC और आपका जो कॉलेज की जो डेट आ रही है वो सारी आपको यूनिवर्सिटी के डीन ऑफिस में जाके आपको वहाँ से चेंज कराना पड़ेगा अपनी एंट्री टेस्ट की डेट। तो ये चीज़ भी आप लोग प्लीज़ नज़र में रखिएगा, और जिन स्टूडेंट्स का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया वो अपना पोर्टल्स चेक करते रहें, और ये भी देख लें कि हो सकता है आपकी पिक्चर स्कैन ना करने की वजह से रिजेक्ट हो रही हो। अगर पिक्चर रिजेक्ट नहीं होती रहेगी तो आपके पास एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप लोग स्कैन करके पिक्चर अपलोड कीजिएगा। फॉर एनी क्यूरियस जो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।